गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं सुनील विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इसके ब्लॉग्स फार्मिंग लाइफ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि यार अभी मतलब मेरे जस्ट पास से एक मिनट रुकिए जरा। हाँ तो गाइस मेरे पास से एक टिटोड़ी निकल के गई और वो मुझे मतलब मुझे पे निशाना लगाई हुई थी। मतलब मुझे जैसे ही उड़ उड़ के आ रही थी मेरे पास आके जैसे मतलब आके एकदम डायरेक्ट जैसे मुझे ही मारना चाहती हो। तो क्या पता गाइस मैंने कोई ऐसा तो नहीं किया उसके ही एरिया में शूटिंग करने लग गया। कोई बात नहीं गाइस। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। तो गाइस कैसी लगी मेरी एंट्री बताइए, कैसे आया ना दौड़ के। तो गाइस मैंने सोचा आज कुछ अमेजिंग करते हैं। तो गाइस कैसे हो आप सब, आप सब बढ़िया ही होंगे, गुड फाइन। तो यार ये मुझे लगता है टिटोड़ी फिर से कुछ करने की फिराक में। तो गाइस ऐसा तभी होता है जब ये मतलब इनके बच्चे होते हैं आसपास। तो मुझे तो अभी कोई बच्चे वगैरह नहीं दिख रहे, लेकिन गाइस यार जैसे शूट किया पीछे से वो निकली, क्या अमेजिंग व्यू था यार, मज़ा आ गया। तो चलिए बढ़ाते हैं व्लॉग को आगे। तो गाइस आज मैं नेचर व्यू देता हूँ आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि ओस की बूंदें काफ़ी अच्छी है। तो चलिए नेचर व्यू। ये वो पक्षी है जो मुझ पर अटैक कर रहा था बार बार। आखिर क्यों भैया, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्या मैं आपके एरिया में आ गया हूँ? तो गाइस ये टिटोड़ी है, मैंने पहले भी इसको फॉलो किया है, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा पक्षी है, इसकी आवाज़ अच्छी लगती है गाइस व्लॉग में, जब इसकी आवाज़ सुनते ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस देख सकते हैं फिलहाल मैं रोड पे चल रहा हूँ। मैं गया था गोदाउन, मतलब गोदाउन पे, हमारे यहाँ गोदाम बोलते हैं उसको, गोडाउन। तो गाइस वहाँ पर परिवार में किसी की शादी है, परिवार के एक भैया है जो गोदाउन पे ही बस गए हैं। तो शादी थी, शादी में गया था, जो गणेश पूजन होता है उसी में खाना खाने। तो अभी फार्म हाउस पर आ गए हैं, काफ़ी वहीं से फिलहाल पैदल चल के आ रहा हूँ। चलिए चलते हैं, अभी 2 बज गए, भैंसों का पानी का टाइम आते आ गया है मतलब। तो चलिए चलते हैं पानी पिलाते हैं। ओ ओ तो गाइस दादी जी कह रही है चाय बन गई है, तो चाय पी लो पहले। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखिए ये भैंसें रखती है जो इनको डेली इनके सारे काम करता है उसके लिए, ये मतलब कुछ तो टच हो जाता है आपस में। तो गाइस हालांकि हमारे घर का कोई भी सदस्य है उसके लिए ज़रूर रखेगी ये
चलिए चाय पीते पहले। हाँ तो गाइस चाय वगैरह पी के रेडी हो गए हैं। अब 2 बज गए थे तो मैंने कि भैंसे को पानी पिला देते हैं, और एडिटर साहब और सब फैमिली वहीं गोदाम पर गए हुए हैं। हमारे एक साथ वाले भाई की ही शादी है, मतलब परिवार में तो पहला दिन है शादी का, तो गए थे। हमारे इधर बोलते हैं कि बाने बैठी गया, मतलब वो भैया है वो बाने बैठ गए हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, हाँ गणेश पूजा फर्स्ट दिन शादी का। तो गाइस वहीं पर गया हुआ था, तो वहाँ से फैमिली को घर पे जाना था तो मुझे इधर आना था। तो मैंने एडिटर साहब से बोला कि यार मैं चला जाऊंगा, कोई मिल जाएगा, क्योंकि रोड चलता है ये, मतलब गाड़ियां चलती है इस पर, यहाँ कुमल्ली एक गांव है जलोदिया है। तो मैंने सोचा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और टाइम हो गया, 2 बज गए। तो मैंने कि यार बता देते हैं पानी, तो ठीक है वेट करते हैं एडिटर साहब का। उसके बाद गाइस आज करने वाले हैं कुछ स्पेशल, तो अभी आते हैं एडिटर साहब, उसके बाद करेंगे अगर हो जाए तो, क्योंकि कुछ पक्का नहीं है। ओके वेट कीजिए वेट। क्या खाया होगा मैंने अभी, कुछ गेस कर पाए या फिर देखा होगा, देख लिया होगा यार। मैं गाइस आंवला खा रहा हूँ अभी, क्योंकि आंवले बहुत सारे हैं हमारे घर, मतलब एक आंवली पे काफ़ी अच्छे आते हैं, विदेशी आंवली है। तो गाइस खाते रहते चलते फिरते, चलते हैं वहाँ पर। अभी मोटर चालू की और एडिटर साहब वहाँ पर निकल गए मोटर को देखने, मतलब लाइट आई तो बोरिंग चालू किया था, पानी वानी देखने निकल गए। हम भी वहीं चलते देखते क्या कर रहे हैं वो। गाइस आंवले में कौन सा विटामिन होता है आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है लेकिन कंफर्म मालूम नहीं है, अभी काफ़ी टाइम होगी पढ़ाई को। हाँ तो गाइस ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि ये पानी पूरे में भर जाए, पूरी बराबर जाएगी तभी तो हर एक प्लांट को पानी मिल पाएगा। तो मैं करता हूँ गाइस, ओके कामकाज करते हैं। हाँ तो गाइस फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने सारे पशुओं का एक एक करके सबका दूध निकाल दिया है, हालांकि सबका दो ही तो देते हैं दूध। तो गाइस और मैंने देखा कि यार दोनों के बीच बनती नहीं बिल्कुल, दोनों के से वो बनती क्या है कि इसको खड़ रख देते हैं और ये अभी दूध देना बंद हो गई है हमारी जगह। तो ये क्या है, इधर मतलब खड़ सबको प्यारी होती है भले वो दूध दे या नहीं दे, तो ये जब खाती है तो इसके पास आती है और मुँह ले जाती है बार बार, तो इसको मारने आती है। तो मैंने सोचा है इसको बदल देते हैं, मतलब बांधने की जो उधर उधर के मुँह में बांधा था मैंने इधर बांध देते हैं। चलिए तो गाइस मैं ये वो ज़्यादा देखिए, मैं हेलोजन बल्ब में बात करता हूँ हमेशा, मतलब हमेशा क्या ये यहाँ पर हमने लगा कर रखा है। तो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो बताइए मुझे कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।